हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी का सुमन का किचन ब्लॉग में। और मैं आज एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों की वो रेसिपी कौन सी है। तो मैं आज बनाऊंगी मोमोज। तो मोमोज के लिए मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी घिस करके रख लिया है और इसको धो दी हूँ और धो करके यहाँ रख दी हूँ, जिससे कि इसमें का पानी निकल जाएगा। और तब तक मैं तैयार कर लेती हूँ मैदे का आटा। तो बने रहिएगा ब्लॉग के एंड तक। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे मैदा को छान दिया है और इसमें थोड़ा सा नमक मिला लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। और फिर इसको गूँथूँगी और नमक डाल दी हूँ और इसको जो है कि अच्छे से मिला देती हूँ। फिर इसके बाद इसमें पानी डाल करके और मिला देती हूँ। पानी डाल करके अब मैं मिला दी। और जब हम मोमोज के लिए आटा मिलाते हैं तो उसको टाइट रखेंगे, क्योंकि अगर मैदे का आटा जो गीला हो जाएगा तो फिर मोमोज का शेप देना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैदे का आटा जो है कि टाइट गूँथेंगे। और जब हम रखते हैं उसको थोड़ी देर के लिए तो वो जो है कि आराम से हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं मिला दी हूँ और इसको रख देती हूँ लगभग आधे घंटे के लिए, जिससे कि ये अच्छे से मिल जाएगा। फिर इसको एक बार मैं गूँथ लूँगी। तो अब मैं इसको रख देती हूँ और तैयार कर लेती हूँ चटनी। तो चटनी मैं गांव वाली बनाऊँगी, हरी चटनी बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है और अदरक है ये, और हरी मिर्च है और लहसुन है। तो इनको पीस लेती हूँ और स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ इसमें। तो देखिए थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ। और मैं गांव वाली चटनी बना रही हूँ क्योंकि मोमोज के साथ गांव वाली चटनी भी अच्छी लगेगी, तो इसीलिए मैं बना रही हूँ और सिलबट्टे पे तैयार कर रही हूँ, तो काफ़ी स्वादिष्ट होगा। तो इसको पीस लेती हूँ। और आप में से कितने लोगों की मोमोज की रेसिपी अच्छी लगी है एक बार ज़रूर बताइएगा। और देखिए पीस लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो फाइनली मैंने चटनी पीस लिया है और इसको मैं कटोरी में उठा लेती हूँ और इसको थोड़ा सा गीला करूँगी मैं। तो देखिए यहाँ पे चटनी पीस कर तैयार कर ली हूँ और अब मैं चूल्हे पे रख दी हूँ भगोने में पानी। और पानी जब तक गर्म होगा तब तक मैं तैयार कर लेती हूँ पूरन, क्योंकि जब मोमोज बनाना होता है तभी उसका पूरन तैयार करते हैं, नहीं तो कच्ची सब्जी होती है तो फिर पानी छोड़ देगा तो गीला हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अब बना रही हूँ। तो इसमें मैं मिर्चा पाउडर डाल दी हूँ और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दी हूँ। और अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। तो देखिए ये है हल्दी पाउडर। और अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ, खड़ा जीरा। तो देखिए ये है जीरा, और जीरे को भी डाल दी। और फिर मैं इसमें डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। तो नमक देखिए थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ, स्वाद अनुसार है। और अब मैं इन सबको अच्छे से मिला दूंगी और इनको मतलब मलना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं हल्के हाथों से मिला रही हूँ। और ये तुरंत जब मसाला तैयार करेंगे और तुरंत मोमोस बनाने लगेंगे तो फिर मसाला गलेगा नहीं और जो है कि अच्छे से रहेगा, नहीं तो पानी छोड़ देता है। तो पानी छोड़ने के डर से पहले नहीं बनाएं, बाद में ही मसाला तैयार करें जब बनाना हो मोमोस। और अब मैं आटा को देख लेती हूँ। तो आटा देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। तो अब मैं इसे भी अच्छे से मिला देती हूँ इस तरह से। और देखिए कितना अच्छा से तैयार हो गया है आटा। और फाइनली जो है कि आटे को भी मैं मिला दी हूँ, काफ़ी देर हो गया है मिलाते मिलाते इसे। तो अब मैं इसको रख देती हूँ और लोई तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने छोटी छोटी साइज की लोई तैयार की हूँ, जिससे कि मोमोस न ज़्यादा छोटा हो और न ज़्यादा बड़ा हो, मीडियम साइज का हो। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल लगा के और जो है कि बेल रही हूँ इसे। तो इसी तरह से मैं कई सारे पराठे बेल लेती हूँ, इनमें पराठा याद आ रहा है, मोमोज के लिए रोटी बना लेती हूँ सबसे पहले ऐसे, फिर मोमोज भर के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए फाइनली यहाँ पे मैं दो पूरी की तरह बेल दी हूँ और अब मैं यहाँ पे कई सारे बेल दी हूँ और अब मैं मोमोज भर के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मसाला को थोड़ा ही भरना है, जिससे कि मोमोज का शेप अच्छा बने और खाने में भी अच्छा लगे, देखने में भी अच्छा लगे। तो
तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गुजिया की तरह दबा दे रही हूँ जिससे कि मसाला बिखरेगा नहीं, फिर इसका शेप तैयार करूँगी मैं। तो देखिए यहाँ पे, और मोमोस बनाना बिल्कुल आसान है, सिंपल और आसान तरीके से है। तो देखिए यहाँ पे मैं अब मोड़ दे रही हूँ इसको, तो फाइनली जो है कि एक मोमोस मैंने भर के तैयार कर दी हूँ, देखिए इधर, और देखिए कितना अच्छा से तैयार हो गया है। और इसी तरह से हम सारे मोमोस को भर देंगे, और मोमोस देखिए कई तरह से भरा जाता है, तो मैं ये एक दूसरी तरह से भर के दिखा रही हूँ आप लोगों को। एक तरफ से चून पड़ेगा और एक तरफ से जो है कि ऐसे दबा देंगे, तो देखिए इस तरह से, तो ये गोल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो तरह के मोमोस भर के दिखाया आप लोगों को, और देखिए कितना अच्छा से हो गया है। और अब मैं इसको भी रख देती हूँ, और इधर जो है कि पानी गर्म हो गया है, भाप निकलने लगा है, तो मैं इसी में बना बना के सारे मोमोस रखते जा रही हूँ। तो मेरे से एक लोगों ने पूछा था कि सुमन जी आप छलनी में क्यों बनाती हैं, तो मेरे पास नहीं है वो बर्तन बनाने वाला, तो मैं छलनी में ही बना लेती हूँ, और ये मेरी मम्मी का तरीका है, तो इसमें भी बहुत अच्छा से तैयार हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं हो गया है ये, तो अब मैं इसको उतार देती हूँ एक प्लेट में। तो फाइनली देखिए मोमोस कितना अच्छा से हो गया है, और ये है हरी चटनी, इसको भी मैं गीली कर दी हूँ, और मेरा मोमोस बनके तैयार हो गया है, देखिए कितना अच्छा हुआ है। और आई होप कि आप सभी को बहुत पसंद आएगा ये मोमोस रेसिपी, और आप लोग ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। देखिए गाइस मैं अपने लिए मोमोस और हरी चटनी लेके आई हूँ, और इसके साथ में लाई हूँ चाय। तो देखिए एक गिलास भर के चाय ली हूँ, क्योंकि तीखा लगेगा तो पी लूँगी, और देखते हैं कैसा हुआ है। और मेरे बाबू खा लिए हैं, तो इनसे पूछती हूँ कि मोमोस कैसा हुआ था। बाबू नहीं हुआ था, चटनी चटनी तो तीखी थी, वो स्पाइसी भी थी और लम्बी भी। और चाय बाबू भी पी रहे हैं, अब ये खा लिए हैं, मैं बिजी थी तो इसलिए वीडियो नहीं बनाई थी। और देखिए बाबू का चाय, और अब बारी है मेरी। तो क्या करना है बेटा? लाइक और सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस भी कर देना, ओके, और घंटी को दबा के भी जाना। ठीक है, रुक जाओ, अब बाय, अब कर लो। मोमोस बनाते बनाते बच गया है 3, मतलब अभी 3 बजा नहीं है, 2:44 हो रहा है, और अभी तक मैं खाई नहीं थी, सिर्फ एक कप चाय पी के थी सुबह से, और अब मैं मोमोस खाऊंगी, फिर उसके बाद देखती हूँ क्या बनाना है खाने में, बनाऊंगी शाम को। तो मोमोस खाने के बाद तो भूख लगेगी नहीं अभी, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो मेरे हाथ का मोमोस और चटनी सबसे पहले आप लोगों के लिए, खाइए और कमेंट में बताइए कैसा हुआ है। और अब मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मुंह में पानी आ रहा है देख करके। और सच में बहुत अच्छा हुआ है, और खा लेती हूँ, और मिलती हूँ दूसरी ब्लॉग वीडियो में, और इससे ही ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और जो न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मोमोज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।